अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबके। आई होप सब लोग ठीक हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी इसलिए मेरा व्लॉग लेट ही होता चला गया। आई वाज़न्ट फीलिंग वेल। खैर जी, ये हमारा नेक्स्ट डे का स्टार्ट था। एक्चुअली हम शाम में बताया था कि हम रिज़ॉर्ट चेंज करेंगे, तो हम एक और जगह पे गए हुए थे उसको देखने के लिए, और ये बिल्कुल हटके था, मतलब जो मेन रोड था और जो मेन आबादी थी उससे हटके था, पहाड़ के बिल्कुल कॉर्नर में। तो ये हमें इतना पसंद आया और बाय चांस यहाँ पर दो रूम्स जो है ना वो इकट्ठे हमें मिल गए, मतलब एक साथ। और गुड थिंग वाज कि उसका लॉन था। एक्चुअली हमें इसीलिए चेंज करना था वो वाला गेस्ट हाउस, क्योंकि हम जहाँ रह रहे थे वो सेकंड फ्लोर पे था और बड़ा जो है ना अनकंफर्टेबल हो रहा था, और हमें कुछ प्लान्स थे छोटे छोटे, तो हम चाह रहे थे कि कोई गार्डन हो या कम अज़ कम ग्राउंड फ्लोर पर हों कमरे ना। तो ये बहुत ही अच्छा था, इसकी पार्किंग भी बिल्कुल अलग थी और बड़ा सेपरेट सा था। तो हम रात में इसकी बुकिंग करवा गए थे, और यहाँ ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, हम लोग जा रहे थे बाबूसर टॉप, और हमने अपने पिछले वाले होटल से सारा जो सामान वगैरह था वो उठा लिया था ना वहीं से पैक करके। तो हमने कहा चलो यहाँ रख के तो फिर हम आगे निकलते हैं। तो बस अभी हम लोग चाबी वगैरह ले ली थी नॉमिनल रूम्स की ना, तो वो रखने गए थे सामान। मैंने कहा मैं तब तक ज़रा इसका व्यू दिखाऊँ आपको, इतना प्यारा व्यू था यहाँ से कि बस खड़े होकर दिल करता था देखते रहें। तो बस हम लोग निकले थे अभी, और मैंने जितना भी सारा ट्रिप किया ना उसमें बहुत खूबसूरत जगह, नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत प्यारे हैं, लेकिन जो बाबूसर टॉप से ऑनवर्ड्स हम निकले थे, सॉरी इधर से बाटाकुंडी से बाबूसर टॉप की तरफ जब हम जा रहे थे ना, तो जो सारे व्यूज़ थे ना, जो जगह थी वो बहुत प्यारी थी यार, मुझे तो बड़ी पसंद आई। मतलब सारा अच्छा था बट ये वाला रास्ता ओवरऑल बहुत खूबसूरत था। और हम लोगों ने अभी नाश्ता नहीं किया था क्योंकि हम लोगों का प्लान था कि हम मून रेस्टोरेंट पर करेंगे, जो कि मतलब रास्ते में आता है, तो इस वजह से हम लोग अभी ऐसे ही तैयार श्यार होकर निकल गए थे। अब जब नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं ना, तो पूरा रास्ते में ना आपको हनी जो होता है ना बनाने के लिए, ऐसे छोटे छोटे फार्म्स टाइप बनाए हुए थे उन्होंने बाहर, सारा उसका वो लगाया हुआ होता है, और उसमें हनी बनाने के लिए ना, मुझे नहीं पता उस प्रोसेस को क्या कहते हैं क्या है, लेकिन उन्होंने वो रखे होते हैं लकड़ी के बॉक्सेस से, उनके अंदर से वो हनी निकाल के, तो काफ़ी उन्होंने स्टॉल्स टाइप लगाए होते हैं, बेच रहे होते हैं ना, तो बड़ा मतलब उनका शायद बिज़नेस है बहुत सारे लोगों का। प्लस यहाँ पर रास्ते में छोटे छोटे वेंडर्स, वो इवन बच्चे भी फिग्स बेच रहे होते हैं, जो अंजीर होते हैं और चेरीज़, बट मुझे थोड़े एक्सपेंसिव लग रहे थे, जो स्टॉल्स लगे हुए थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, तो इस वजह से हमने कोई ख़ास वहाँ से चीज़ ऐसी ख़रीदी नहीं। अपनी पसंद से खाने पीने के लिए ली थी हम लोगों ने छोटी मोटी, लेकिन ऐसे ख़रीदी नहीं, एज सच बल्क में नहीं ख़रीदी। और एज़ यूजुअल प्यारी प्यारी पानी की स्ट्रीम्स थी, और बस इधर का रोड बहुत प्यारा था, नीचा सा था और साथ ही ग्राउंड था और लश ग्रीन था, शायद कैमरा ज़ाहिर है वो ब्यूटी नहीं दिखा सकता, तो ये रोड बहुत प्यारा था, पुरसकून और ख़ूबसूरत सा, शायद मॉर्निंग टाइम था, अच्छा भी लग रहा था। बाकी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि यहाँ पर बादल हों या ना हों, एक ठंडी सी फीलिंग रहती है, धूप तेज़ भी हो ना फिर भी ठंडक सी होती है। और जी ये जो कुछ वाटर स्ट्रीम्स और ये जो पानी आ रहा था ना चश्मे से, थे ये तो इतने प्यारे थे, दिल कर रहा था रुकें, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक जो बहुत मेन प्रॉब्लम था पूरे ट्रिप में, मैंने नोटिस किया कि जितनी स्ट्रीम्स थी ना, क्योंकि बाय चांस वो जगह ख़राब होती है, थोड़ा रोड भी स्लो हो जाता है, तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना जो लोकल, वो यहाँ पे मतलब पैसे वगैरह मांग रहे होते हैं, कुछ चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अनॉय कर देते हैं। ये चीज़ मतलब शायद उनको भी आइडिया हो गया कि यहाँ रुकना ही पड़ेगा इन्हें, तो वो इतना ज़्यादा मतलब आपको अनॉय कर देते हैं चारों तरफ से ना, कि आप सारी ब्यूटी भूल के तो ध्यान मतलब ज़ाहिर है उस तरफ हो जाता है। तो इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कोफ्त हो रही थी, कि थोड़ा सा मतलब बच्चों को या उधर वाले लोगों को ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि टूरिस्ट भी तो देखने आए ना यार, लेकिन क्या कह सकता है बंदा। तो जी बस अब हम लोग जा रहे थे, और क्या कहते हैं, एक न्यू एक्सप्लोर करने के लिए इतना कुछ था यहाँ पर। हम पहले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके निकले थे यहाँ से, हमें काफ़ी एक दो लेक्स भी थी जो कि हमने आज ही देखनी थी, और बाबूसर टॉप तक भी जाना था इंशाल्लाह। पूरे आपको जो है ना व्लॉग में मैं वो जगह भी दिखाऊँगी, और फ़िलहाल आप व्यू इन्जॉय करें जो कि इंतहाई खूबसूरत था।
जी अब हम तकरीबन पहुंच चुके थे, एक सवा एक घंटा हमने ड्राइव किया था, उसके बाद अब जो है हम मून रेस्टोरेंट आ गए थे। और जो लोग जानते हैं ज़ाहिर इधर ट्रैवल किया हुआ या ओवरऑल भी, उनको पता होगा कि मून रेस्टोरेंट इज़ वेरी फेमस हेयर। और वाकई एक्सपीरियंस वाज रियली गुड, हमने नाश्ता किया था और यकीन करें कि मेरा बेस्ट मील था वो पूरे ट्रिप का, मतलब जो मैंने खाया था ना उसमें, टेस्ट वाइज बात कर रही हूँ मैं। हम लोगों ने चने अंडा ऑर्डर किया था, ऑमलेट मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था और साथ निहारी थी और लस्सी, तो यार इतनी मज़ेदार थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम इतने बिजी हो गए थे खाने में कि मैं वीडियो प्रॉपरली नहीं बना सकी, लेकिन और ये पूरा एक हॉल टाइप इन्होंने बनाया हुआ, खुला सा ना, ओपन सा, और उसमें चारपाइयाँ भी लगी हुई थी और लोग मतलब बैठे हुए थे, चिल कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रेक भी ले रहे थे, ड्राइव कर करके थके हुए थे। तो ओवरऑल जो है ना बहुत बहुत मज़े की ये जगह मुझे लगी। और शायद आप लोग भी ट्रैवल करें कभी या किया हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि इधर के फूड का टेस्ट कितना रिच और मज़े का था, बहुत अच्छा था, निहारी चने एवरीथिंग बहुत अच्छा था। तो बस जी हम लोगों ने फिर ड्राइव स्टार्ट किया और थोड़ा सा ही हम 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद जो है ये लूलूसर लेक थी, और इतनी कोई प्यारी थी, पुरसकून थी और इतनी अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर हमने यहाँ स्टे किया, कुछ देर मतलब थोड़ा सा पीछे हमने कुछ स्टे किया जहाँ से सिर्फ ये सीन एंजॉय कर रहे थे, व्यू। एक्चुअली जो इसका मतलब प्रॉपरली एक उन्होंने होटल टाइप बना के एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ था, वो थोड़ा सा आगे था, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले हम खुद से उतर के गाड़ी रोड साइड पर लगा के ना हमने अपनी तरफ से व्यू को इंजॉय किया था, बहुत प्यारा था यार। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको एक कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो बस दिल करता बंदा यहीं रह जाए। और ये होटल था, उसके नीचे ही स्टे आ रही थी और वहाँ से ये व्यू पॉइंट था, बहुत प्यारा था। इन्होंने बेंचेस वगैरह लगा के और लोग पिक्चर्स ले रहे थे, बैठे हुए थे, चाय शाय एवरीथिंग, यू नो ऐसी जगहों को थोड़ा सा सेटअप कर देते हैं कि बंदे को जो आते हैं वो थोड़ा सा इंजॉय कर लें। फैमिलीज़ काफ़ी इंजॉय कर रही थी, बड़ा अच्छा लगा हमें भी यहाँ पर। और ये था जी डायरेक्ट व्यू फ्रॉम बाबूसर टॉप, और थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई हम लोगों को यहाँ पहुँच के, हमें बिल्कुल ये जगह पसंद नहीं आई, कुछ हसल बसल थी और इतनी इतनी ज़्यादा ड्राइव के बाद हम एक्सपेक्ट शायद नहीं कर रहे थे जगह ऐसी होगी, बट ओवरऑल चलें ठीक था, एक व्यू था, पता चला कि जी ये बाबूसर टॉप है, इतने किलोमीटर है और ये और वो एंड ऑल दिस। लेकिन हम हार्डली यहाँ 15 मिनट भी नहीं रुके होंगे और हम यहाँ से फिर निकल के भागे, बिकॉज रोड भी थोड़ा मुझे हम कंफर्टेबल नहीं लगा, आगे जाके थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, तो इस वजह से जो है हम फिर वापस आ गए थे। और वापसी पर जब हम आ रहे थे तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी ये प्याला झील थी, मतलब थोड़ी सी रोड से हटके थी। काफ़ी हमने ड्राइव किया वापसी पे और बड़ा मतलब व्यूज़ मुझे लगा कि बाबूसर टॉप से ज़्यादा हो तो बाकी जगह खूबसूरत है, वो तो एक बस पॉइंट है जी, वहाँ तक जाना है, एक रेस है वो कर लो, तो लगता है हम नॉर्दर्न एरियाज़ का ट्रिप कर रहे हैं, बट मुझे नहीं इतना अच्छी लगी वो जगह। ये जो थी बहुत प्यारी वैली थी और यहाँ पर प्याला झील भी थी, यहाँ बैठ के यहाँ टाइम स्पेंड करके ना ऐसा सुकून मिल रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, वाकई लगा कि वी आर इन नॉर्दर्न एरियाज़। और इस जगह का नाम जलखट था और मतलब इस वैली टाइप जगह थी और ये बाबूसर टॉप से वापसी पे थी, हमने यहीं स्टे किया था, बहुत अच्छा यहाँ पे एक रिजॉर्ट सा बना हुआ था। मैं बहुत बाद में आके पता चला कि ये मतलब यहाँ आके इनसे इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि ये प्रॉपर यहाँ पे रहने की भी लिए भी गेस्ट हाउस था और उसमें रूम्स भी अवेलेबल थे, प्लस क्या उसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी थी जो मेन थिंग जिसकी हमें बहुत देर बाद पता चला। खैर जी कर चुके थे हम ट्रिप जितना भी करना था, मतलब स्टे करने के लिए हम ऑलरेडी बुकिंग थी यहाँ पे, तो वरना अगर रुकते तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन अगर आप आएँ तो ज़रूर इस जगह पे रुकें भी और इस जगह को विज़िट ज़रूर करें। यार इतना सुकून था, इन्होंने ऐसे रोड साइड पे चारपाइयाँ वगैरह लगाई हुई थी और वैसे जो नौमी तो वैसे ही ड्राइव कर करके इतने थक गए थे तो वो भी लेट गए, हम लोगों ने काफ़ी देर यहाँ बैठे, चाय शाय पी, फ्राइज़ वगैरह पकौड़े इस टाइप की चीज़ें इंजॉय की और लगा कि नो दिस इज़ द प्लेस, मतलब बहुत पुरसकून थी। और यहाँ से वापसी पे जब हम निकल रहे थे तो एक स्पॉट आया था, मतलब हम रोड पे थे और नीचे हमने देखा तो उसका नाम मतलब गाजी सर था और वहाँ पे लोग कैंपिंग कर रहे थे, फैमिलीज़ थी
वो फ़िशिंग कर रहे थे, तो वहाँ मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि हम नेक्स्ट टाइम या जब भी ट्रिप करें तो थोड़ा प्रिपेयर होके आएँ, हम कुछ चीज़ें ऐसी लेकर आएँ, ये जो मैं पिक्चर्स हैं ना ये वहीं की हैं। और ये इतनी मज़ेदार जगह थी, आप बड़े आराम से अपनी फैमिली के साथ नीचे रोड से उतरें कार साइड पर लगा के, और आप चाहें तो फ़िशिंग कर लें, कैंपिंग कर लें, बारबेक्यू कर लें, तो मतलब थोड़ा प्रिपेयर होके अगर जाएँ ऐसी जगहों पर तो फिर और मज़ा आता है। जी अस्सलाम वालेकुम, ये हम जी बाबूसर टॉप से फ़ौरन नीचे उतरे हैं, और ये मुस्वा का मुंह देखो, बाबूसर टॉप जाके इसको सख्त मूड ऑफ हुआ। ये मोहम्मद साहब के रिव्यूज़, बाबूसर टॉप कैसा था जी? अहमद, बाबूसर टॉप कैसा था? गोलड़ा शरीफ का बाजार। और ये जनाब हमारे ट्रिप के मेन बंदे जो कि बाबूसर टॉप कह रहे थे, तो अभी ये इंजॉय करना शुरू किया, नितिन को इतना मूड ख़राब था ऊपर। क्या कहती हैं जी आप? और बारिश भी हो रही है ऊपर से, और पानी ठंडा है। इसी खूबसूरत सी दिन हमने गुजारा इन खूबसूरत जगहों पे, फिर हम होटल वापस आ गए थे, और ये असर के बाद का वक्त है, और इस टाइम मैं हूँ भट्टाकुंडी बाज़ार में, और हम लोग ख़रीद रहे थे बारबेक्यू का सामान, क्योंकि आज हमारा प्लान था कि हम रात को जो है ना ख़ुद से बारबेक्यू करेंगे। होटल वालों से जो हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था आप चीज़ें प्रोवाइड कर दें तो हमारे जो अंदर हेल्पर्स हैं वो सारा कुछ आपको बना देंगे, तो आप इंजॉय कर लेना। हमने कहा चलें इसी बहाने हम जो है कुछ डिफरेंट करते हैं। मेरे दिमाग में फंसा हुआ था काफ़ी दिनों से कि हम कुछ बारबेक्यू वगैरह करें, जितना अच्छा मौसम था ना, तो बस अभी हम लोकल ये इधर से चिकन और सब्जियां, लेमन और बस ऐसे ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ हमने लिखी होटल वालों को दे दिया था कि वो चिकन वगैरह मैरिनेट कर दें वॉश करके और सब कुछ। और हम लोग जो हैं वापस आके एज़ यूजुअल वॉक पे जा रहे थे, और जब हम होटल से निकले तो ये साथ जो है ना घर था, तो उसकी दीवार बिल्कुल मिली हुई थी ना होटल के साथ, तो मैं उसमें पहले तो मैं होटल से झांक झांक के देखती रही, फिर मैंने कहा चलो मैं इसी बहाने उतर के भी देखूं कैसा है। और बस वही लोकल एक फैमिली थी, उनका छोटा सा घर था और उन्होंने ऐसे बनाया हुआ था गार्डन सा, गार्डन के अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब्जियां लगाई हुई थी, और वो इस तरह से ना उधर झांका झांकी की और फिर चाय पीने आ गए। और यहां पर जो फैमिलीज आई हुई थी स्टे करने के लिए, वो यहां पे उनके जितने बॉयज़ थे वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो मुस्तफ़ा लोग भी जो है ना साथ काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे उन लोगों के, हम लोग यहाँ साइड पर बैठ के चाय पी रहे थे। मौसम इतना अच्छा था, वैसे ही यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर बाद दिल करता है चाय पीने के लिए, और शाम हो रही थी ना तो उन्होंने काफ़ी वो स्टार्ट कर दिया था, जो वेंडर्स वगैरह थे उन्होंने जो छोटी मोटी अपनी फ्राइंग और चीज़ें खुशबुएं आने लगी थी चिप्स और इसकी, बस थोड़ी देर बैठे और चाय पी मगरिब तक हम लोगों ने, और फिर उसके बाद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता वॉक करते करते होटल वापस आ गए। और ये जो भाई थे इन्होंने हमारी बहुत वैसे भी बहुत ख्याल रखा, हमारे कपड़े प्रेस करना, चीज़ कोई चाहिए वो फ़ौरन ला के दे रहे थे, ये दोनों बहुत ही अच्छा इन्होंने हमारी हेल्प की। और बस अब ये बारबेक्यू की तैयारी हो रही थी, इनकी अपनी ये प्लेस थी बनी भी ना बॉनफायर की, लेकिन हम इतने फैमिलीज़ होती तो ज़ाहिर है हम लोग बॉनफायर के लिए अरेंज करवाते, लेकिन हम कंफर्टेबल थे कि सिर्फ बारबेक्यू कर लेते हैं, तो बस अभी हम लोग उसकी तैयारी कर रहे थे। और सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं जो हूँ ना एक स्वेटर पहना हुआ था मैंने और शर्ट के ऊपर, और उसके बाद जो है मैंने थोड़ी देर बाद पफर भी जो है ना वो भी पहन लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी फील हो रही थी। तो बस लेकिन ये कोयले जहाँ करीब करीब थे ना तो उनके थोड़ा सुकून हुआ हुआ था। बस इन भाई ने जो है आग लगाई, कोयले वो किए, सारा कुछ किया, लेकिन मैंने सीखें इधर उधर करके तो क्रेडिट लेने की कोशिश की कि बारबेक्यू मैंने किया, हालांकि सारा क्रेडिट इनको ही जा रहा था, बहुत अच्छा बनाया था इन्होंने। और यहाँ पे मुझे नहीं पता कि बाय एनी चांस, लेकिन यहाँ पे हर तरह की जो नेस्ले की जो चटनियाँ और केचप और ये सब कुछ अवेलेबल था, मुझे लग रहा था शायद नहीं होगा, शायद मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन इन सब कुछ मिल गया था। और हम जब चाय पीने गए थे तो हम बट कढ़ाई वालों से जो है एक दो चीज़ें ले भी आए थे, तो मतलब इट वाज रियली नाइस, हम लोगों ने एक अच्छा फैमिली डिनर जो है वो खुद ब खुद अरेंज करके उसको इंजॉय कर लिया था। और हम कोई काफ़ी देर बैठे रहे लेट नाइट तक यहीं पे, बल्कि इन्होंने हमें ऑफ़र भी की ग्रीन टी की, फिर हमने ग्रीन टी नहीं पी, हमने चाय दोबारा पी ली थी, सो इट वाज रियली नाइस हैविंग टाइम देयर।
हम अपना डिनर इन्जॉय करने लगे हैं। गर्मा गर्म बारबेक्यू तैयार हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा एक टाइम गुजरा। आप खुशी जो होती है वो बहुत कोई लैविश चीज़ों में नहीं होती है, समटाइम्स बहुत छोटी सी चीज़ में भी खुशी मिल सकती है। और आप अपने लिए ख़ुद अरेंज करें खुशी, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, और अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी में खुश हों और उसको माशाल्लाह ज़रूर कहें। पता नहीं कोई कितना टाइम वेट करने के बाद उस खुशी तक पहुंचता है। सो ऑलवेज़ बी हैप्पी इन अदर्स हैप्पीनेस। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।